एवरीवन वेलकम बैक टू अवर गुजराती क्लास। आज आपणे गुजराती अंदर लेसन सिक्स दीर्घ वाळो कप्पो छे एनी एक्सरसाइज जोईशुं। तो दीर्घ वाळो कप्पो अहींया अक्षर ओळखो अने तेनी फरती गोल करो। तो अहींया देखो नंबर एक मां गणे दीर्घ गु, तो अहींयाथी तमारे गणे दीर्घ गु शोधी अने एना उपर सर्कल करवानुं छे। एना पछी नंबर बे छे नने दीर्घ नु, तो तमारे नने दीर्घ नु पर सर्कल करवानुं छे। एना पछी नंबर त्रण लने दीर्घ लु, तो लने दीर्घ लु अक्षर शोधी अने एना उपर सर्कल करवानुं छे। नेक्स्ट नंबर चार सने दीर्घ सु, सने दीर्घ सु पर सर्कल करीशुं। नेक्स्ट नंबर पांच अळने दीर्घ अळु, ए शोधी अक्षर अने आपणे सर्कल करीशुं। एना पछी नेक्स्ट क्वेश्चन छे आडा अवड़ा अक्षरों ने गोठवीने लखो। अहींया अक्षर आप्या छे ए आडा अवड़ा आप्या छे, ए तमारे शोधी गोठवी अने साचो शब्द बनावीने लखवानो छे। न म पु, तो अहींया आपणे बनावीशुं पु न म, कयो शब्द बन्यो अहींया पु न म। नेक्स्ट नंबर बे त र सु, तो आपणे अहींया शब्द बनावीशुं सु त र, सु त र। नेक्स्ट नंबर त्रण र ख मु, मु र ख, कयो शब्द बन्यो मु र ख। नेक्स्ट नंबर चार त न नु, तो नु त न, अहींया शब्द बनशे नूतन। नंबर पांच र ण सु, तो सु र न, अहींया शब्द बनावीशुं सु र ण। एना पछी नेक्स्ट क्वेश्चन छे शब्द वांचो अने लखो। अहींया जे शब्द आप्या छे ए तमारे रीड करवाना छे अने सामने लखवाना छे। देखो केवी रीते रीड करीशुं, हुं तमने अहींया एक बे एक्जाम्पल समजावुं छुं। तो पने दीर्घ पु न म, तो अहींया सामने तमारे रीड करी अने लखवानुं छे। नेक्स्ट सने दीर्घ सु र ण, तो अहींया सामे तमारे शब्द रीड करी अने लखवानो छे। एना पछी नेक्स्ट क्वेश्चन छे शब्द वांचो अने लखो। अहींया केटलाक सेंटेन्स आप्या छे, तमारे वांची अने एने पण सामे लखवाना छे। एना पछी लास्ट क्वेश्चन छे चित्र जोई कूदता अक्षर लखो। तो अहींया जे चित्र आप्युं छे ए जोई अने अहींया जे अक्षर खूटे छे ए तमारे लखी अने पूरो शब्द बनावानो छे। तो अहींया पहेलुं चित्र छे कमळ, तो क ळ कळ, तो अहींया म तमारे मूकी अने पूरो शब्द बनावानो छे कमळ। ना पछी नेक्स्ट पिक्चर छे डेश ना न डेश, तो अहींया अनानस नुं पिक्चर छे, तो अ ना न स। एना पछी नेक्स्ट पिक्चर छे पग, तो प ग। नेक्स्ट जे पिक्चर छे ए छे ज, तो आपणे अहींया लखीशुं ज डेश, तो अहींया ग मूकीशुं એટલે જ ગ। એના પછી નેક્સ્ટ પિક્ચર છે મગર, તો મ ડેશ ર, તો અહીંયા આપણે મૂકીશું ગ મ ગ જ। એના પછી નેક્સ્ટ પિક્ચર છે કબૂતર, ક ડેશ ત ડેશ, તો અહીંયા આપણે ક બને દીધો ગુ ત ર કબૂતર। નેક્સ્ટ પિક્ચર છે બકરી, તો બ ડેશ રી, તો અહીંયા આપણે મૂકીશું ક બકરી। અને લાસ્ટ જે પિક્ચર છે એ છે સફરજન, સ ડેશ ર ડેશ ન, તો સ અહીંયા મૂકીશું ફ ર અહીંયા જ અને ન સફરજન। ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આ જે એક્સરસાઇઝ છે એ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર સુંદર અક્ષરે લખવાની છે। થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ।